पीजीआई द्वारा आयुष्मान स्कीम के तहत इलाज रोके जाने पर भाजपा प्रदेश प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि पीजीआई ही नहीं पूरे पंजाब आयुष्मान कार्ड से इलाज बंद हो गया, जिसका वड्डा कारण है पंजाब सरकार वालों बकाया राशि का भुगतान न करना। उन्होंने कहा कि एक पासे सरकार मोहल्ला क्लीनिक खोलने की गल कर रही है, दूजे पासे सरकार ने पीजीआई वालों बकाया रिमाइंडर देने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं दिता। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को अपने हिस्से का बकाया जरूर देना चाहिए। उते केंद्र सरकार वालों सरावां ते जीएसटी लगाए जाने उन्होंने कहा कि जीएसटी की मीटिंग च सारे मैंबर होंगे ने, उस समय विरोध क्यों नहीं किया गया। ये सरकार मान साहब की जी है दोहरा व्यवहार है, गल्लां ये कुछ करते हैं आचरण कुछ होर करते हैं। तुम पी जी आई की गल कर रहे हो, पूरे पंजाब के अंदर ही आयुष्मान योजना के कार्ड के उत्ते इलाज जड़ा है वह मरीजों का बंद होया पाया, लेकिन ये सरकार कुंभकर्णी नींद सुती पई है। एक पास ये कहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधावान देना साड़ी मुंडली जरूरत है, वो महला क्लीनिक की गल करते हैं। जो महला क्लीनिक की गल करते हैं तो डिस्पेंसरिया की गल नहीं करते कि जिहड़ियां ऑलरेडी डिस्पेंसरिया है असी उहदे हालात सुधार देंगे। ये इस करके पी जी आई ने इन्होंने रिमाइंडर भी भेजे है, बकाया तो देना ही पड़ा ना, जो तुहाडी हिस्सेदारी है अगर तुसी इतने गंभीर हो पंजाब दे लोकां दे स्वास्थ्य नूं लै के उन्हां दी सेहत दे फिक्रमंद हो तो ये जिहड़ी पूरे देश के अंदर इतनी सफलतापूर्वक और करोड़ों की तादाद च लोकां ने इलाज करा के अपना लाभ लिया आयुष्मान योजना का, उहदा लाभ तो पंजाब दे लोकां नूं ये आम आदमी पार्टी की सरकार बांझे रख रही है और लोग त्राही माम कर रहे हैं। मान साहब नूं चाहिए है कि एक पासे ते इन्हां दा जिहड़ा स्वास्थ्य मंत्री है वो बीसी दे नाल बदसलूकी करता है कि साधन दे मामले च लै के उन्हां नूं अपमानित करता इतने सम्मानित व्यक्ति नूं, खुद लेबर रूम के अंदर जुत्तियां पा के जाता है और लोगों नूं राम सारे छड्डिया पिया। इन्होंने आयुष्मान योजना जिहड़ी बंद करके मान साहब जागो, गल्लां करना बंद करो, ये आयुष्मान योजना चालू करो, पी जी आई दे रिमाइंडर का जवाब दो, उन्हां दी कोई ना कोई किश्त दे के विचला रस्ता कढ के अपनी हिस्सा जिहड़ा जो तुहाडा बंदा दिओ तां कि पी जी आई दे अंदर जिहड़ा लोकां ने अपना इलाज करवाना वो इलाज करवा सकन। पहला 1000 रुपये तो उपर की कैटागरी जिहड़े होटल वगैरह आते सी उन्हां ते जी एस टी सी, हुण जो स्टेट गवर्नमेंट दे सारे नुमाइंदे आपस बैठते हैं जी एस टी की मीटिंग होंदी है उहदे अंदर पंजाब के भी प्रतिनिधि होंदे, पूरे देश के प्रतिनिधि होंदे ने, और उहदे उहदे अंदर बैठ के तय होया कि जिहड़े 1000 तो घट वाले होटल है ज किराया दे के जिहड़े कमरा देंदे ने उहनां ते जी एस टी लगानी है, और उहदे ते जी एस टी लग गई उदों ते पंजाब वाले भी उत्थे होणगे। नाले पूरे देश के संदर्भ के अंदर उन्होंने निर्णय लिया, और लेकिन क्योंकि पंजाब एक होली सिटी है, इत्थे बहुत सारिया धार्मिक और समाजिक और बरादरिया दीआं धर्मशालावां अपनी हैगियां जिते ते गरीब आदमी जाके ठहरदा हैगा और उत्थे बहुत नॉमिनल जिहड़े पैसे है 200 रुपया 250 रुपया चार वो उत्थे दे के अपनी रात कटता है। ये जिहड़ी सरकार जी एस टी लंगर तो माफ कर सकती है, वो क्या कोई विशेष करके पंजाब दे लई ए वाला होया नोटिफिकेशन आ गई है? कोई गल नहीं, लेकिन असी भी केंद्र दे ध्यान च लियावांगे। जब तक सवाल है बारिश का पैना, ये कुदरत दे हत्थ है, लेकिन फ्लड मैनेजमेंट दे लई तैयारी करना कि अगर कुदरती कहर कोई आ जाए उहदे तों सामान्य जनमानस नूं फसलां नूं किद्दां बचाउणा है, उहदे लई सरकार जिहड़ी है बरसाती मौसम चालू होण तों पहलां ही 2-3 महीने तैयारी अपनी शुरू कर दिंदी है। अगर कोई कूलां बंद है तो कूलां दी निकासी का प्रबंध करती है, लेकिन मैनूं इह लगदा है कि ये जिहड़ी नौसिखिया सरकार है इन्हां दा ध्यान केवल विज्ञापना वल है और झूठा यश लैण वल है। इस प्रकार दे आपदावां तों पंजाब नूं किद्दां कढ़ना है, फसल नूं किद्दां बचाउणा है, लोकां नूं किद्दां बचाउणा है, इहदे वल इन्हां दा ध्यान नहीं है और ये फेलूर है सरकार दा, और इनू इहदी तैयारी पहलां करनी चाहीदी सी। पठानकोट तो ब्यूरो रिपोर्ट, वधेरे खबरां लई तुसी देखदे रहो अजीत वैब टीवी।